हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का दोस्तों पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि अभी अभी वायरल हो रहा है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, इसमें समय 3 घंटे का बताया जा रहा है और यहाँ पर पूर्णांक आपको 70 नंबर रहेंगे। यहाँ पर निर्देश दिया गया दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसके बाद आप 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। दोस्तों वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंतिम तक मैं आपको मैं सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी फिजिक्स के पेपर के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन बताए गए, इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आप बता दीजिएगा इसमें, क्योंकि मेरे पास अभी मैं आपको पेपर बता रहा हूँ। अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कौन सी राशि सदिश है, 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए, तो आप राइट आंसर चूज कर लेंगे। समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों यहां भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा तो आपको करेक्ट कर लेना है। अप्रत्याश संगठक में संरक्षित रहता है, तो बताइए अप्रत्याश में किस प्रकार का संगठन संरक्षित रहता है या फिर रहती है, ये आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जड़त्व तो आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक सिंगल ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा सही होगा दोस्तों ये आपको कंफर्म कर लेना है। अब रिक्त स्थान की बात कर ले दोस्तों, तो 12,300 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या, दोस्तों जो 12,300 सेंटीमीटर है इनमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को क्या कहते हैं। दोस्तों यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को क्या कहते हैं। शून्य सदिश का परिमाण होता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके डैश डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। वेक्टर ए गुणे वेक्टर ए बराबर कितना होगा। दोस्तों इस तरह से पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। बात कर लेते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो पहला यहाँ पर पूछा गया अपेक्षिक वेग क्या है, मूल मात्रक किन्हें कहते हैं, स्थैतिक घर्षण क्या है, दोस्तों संरक्षी बल किसे कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। इस तरह से आपसे 5 यहाँ पर पूछे गए सभी प्रश्नों के आप बकायदा अगर आंसर ढूंढना चाहते हैं बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, कि एक एक आंसर आपके बुक में दिया गया है दोस्तों, क्योंकि कोई भी दिक्कत आपको बुक में नहीं मिलने वाली है। अगर आपको फिर भी ऑब्जेक्टिव ढूंढने में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए सही जोड़ी की बात कर ले, तो सही जोड़ी भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप केंद्रीय बल, ताक्षणिक त्वरण, संवेग संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, बल आघूर्ण, इस तरह से यहाँ पे 5 आपसे सही जोड़ियां पूछी गई दोस्तों। कुछ प्रश्नों की बात कर ले दोस्तों, तो प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर के सबसे पहले प्रश्न है दोस्तों, इस तरह से आप ये प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्नों में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 अंक वाले जितने भी प्रश्न दोस्तों मेरे पास यहाँ पर इतनी मैं आपको बता दूं, ये पूरे के पूरे प्रश्न है, ये आप इनको पूरे के पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी सारे कुछ प्रश्न और भी दिए गए हैं दोस्तों, इसी तरह से मिलाकर के आपको टोटल यहाँ पर 22 क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों। इन्हीं 22 क्वेश्चन को आपको कल यानी आज के सुबह के जो पेपर होने वाला है दोस्तों उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी कवर कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेई नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हर कमेंट का आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण पेपर मिलते रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।